ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांजिशन टेम्परेचर है. वो सॉलिड्स जो कि एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जिसको हम एलोट्रॉपी भी कहते हैं, या फिर वो फॉर्म्स उनको एलोट्रॉप्स कहते हैं. और इसी तरह से पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस जो हैं, यानी कि एक सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में अवेलेबल है. तो अगर कोई ऐसा टेम्परेचर या कोई ऐसी कंडीशन हम अवेल कर सकें जिसमें वो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो को एग्जिस्ट करें, तो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम जिसमें दोनों स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, एलोट्रॉप्स की बात की जाए तो एलोट्रॉप्स का देखें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, बट ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मेटल और फॉर सर्टेन सब्सटेंस इज ऑलवेज लेसर देन इट्स मेल्टिंग पॉइंट. इसी तरह से टिन, देखें बहुत सारे कंपाउंड हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, दे हैव डिफरेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर्स, बट अगर हमें आइडिया हो दैट विच वट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड वट आर द वेरियस आइलोट्रॉपिक फॉर्म्स, तो हम उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं. इसी लिहाज से इसकी जो रोज मतलब मेटलर्जी में जब वन मेटल इज कन्वर्टेड टू अनदर, डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म डिफरेंट प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं. एंड फॉर द डिजायर्ड कंपोनेंट, फॉर द डिजायर्ड शेप, इफ आई नो द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सर्टेन मेटल, तो उसकी उसमें मैं अपनी डिजायर्ड जो उसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसमें उसको कन्वर्ट कर सकती हूँ. जैसा कि टिन जो है इसकी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, और उसको ग्रे टिन और व्हाइट टिन कहा जाता है. जो ग्रे टिन है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक डायमंड स्ट्रक्चर, डायमंड क्यूबिक बोलते हैं. और डायमंड क्यूबिक जब भी कहा जाए, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, जिसके कॉर्नर्स के अलावा उसके फेसेस पे भी एटम्स मौजूद होते हैं. ठीक है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ग्रे टिन का, और व्हाइट टिन जो है वो टेट्रागनल है. अब टिन की रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. आप ये मेटल है जिससे इंटरेक्ट करते हैं, लाइक व्हेन यू गो एंड परचेज सम कैंड फूड, तो जो वो एक उसकी जो आउटर पैकिंग है दैट इज ऑफ टिन. ठीक है, टिन एक डक्टाइल और मेलिएबल है, मतलब उसकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, उसको मोल्ड किया जा सकता है, और दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है. अब जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, वेयर डज द ट्रांजिशन टेम्परेचर स्टैंड्स? ट्रांजिशन टेम्परेचर टिन का है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डायनामिक टेम्परेचर जिसपे इसकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं. सो इफ आई नो के, जैसा कि यहां पे इक्वेशन की फॉर्म में एक हमने दिखा दिया, दैट व्हाइट टिन इज स्टेबल अबव 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर इज द ग्रे टिन इज स्टेबल बिलो 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड. सो इफ समवन आस्क दैट ऑन द रूम टेम्परेचर विच टिन फॉर्म विल बी अवेलेबल, दैट वुड प्रेफरेबली बी व्हाइट टिन. ठीक है, एंड इफ आई नो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, आई कैन कन्वर्ट दैट व्हाइट टिन इन टू द ग्रे टिन. इसी तरह से और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके डिफरेंट ट्रांजिशन टेम्परेचर्स हैं, और वो ट्रांजिशन टेम्परेचर को जानते हुए उनकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म को कन्वर्ट किया जा सकता है एक से दूसरे में.